रावत जी और उनकी पत्नी साथ ही 12 सैनिकों का निधन होने पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राचार्य रेखा गुप्ता जी को सौंपा। आगरमालवा NSUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में आगर शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जनरल CDS विपिन रावत जी एवं उनकी पत्नी और 12 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके पश्चात शासकीय नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। NSUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि आगरमालवा जिले के सोयत तहसील के ग्राम दीवान खेड़ी के सपूत शहीद बनवारी लाल राठौड़ जी ने मणिपुर में मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश सेवा में वीर बनवारी लाल जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और सोयत शासकीय कॉलेज का नाम स्वर्गीय बनवारी लाल राठौड़ जी के नाम से रखे जाने की मांग की। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भी पूर्व की भांति कॉलेजों में परीक्षा आयोजित होती है तो महामारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित कराई जानी चाहिए और स्नातक व स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पिछले कई समय से उन्हें नहीं मिली है और जल्द से जल्द राशि खाते में डाली जाने व जिला विधिक कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिशीघ्र नियुक्ति करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर इमरान अली नगर अध्यक्ष NSUI आगर, विष्णु गुर्जर विधानसभा अध्यक्ष NSUI आगर, तरवन राजपूत जिला उपाध्यक्ष, समीर लाला जिला उपाध्यक्ष, राहुल मेघवाल कॉलेज अध्यक्ष महाविद्यालय आगर, इमरान खान जिला उपाध्यक्ष, गप्पू लाला और विशाल चौहान, विजय गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। हम अपना मांगे कि हमारे जिले के वीर जवान पिछले दिन मणिपुर में शहीद हुए हैं जिन्होंने अपना प्राण न्योछावर कर दिया। वो रहने वाले सोयत तहसील के आगर जिले के हैं तो हमने बनवारी लाल राठौड़ जी के नाम से शासकीय कॉलेज सोयत का उसका नाम बनवारी लाल जी के नाम से रखने की मांग प्रशासन और सरकार से की है। यदि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके नाम से वो शिक्षण संस्था का नाम रखा जाए। दूसरी हमारी मांग है कि कोरोना की तीसरी लहर गति से आ चुकी है। ओमिक्रॉन वायरस उज्जैन तक में पाए गए हैं और मध्य प्रदेश की सरकार बच्चों की ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए आदेश जारी कर चुकी है। कहीं ना कहीं बच्चे की जान खतरे में है। हमने सरकार से मांग की है कि स्नातक और स्नातकोत्तर के बच्चों की एग्ज़ाम ओपन बुक पद्धति से की जाए। तीसरी चीज़ आगर जिले में विधि कॉलेज है जो कि विधि कॉलेज पिछले कई समय से चल रहा था। NSUI ने लड़ाई लड़ी थी और NSUI की मांग पर सरकार को झुकना पड़ा था और आगर में विधि कॉलेज चालू हुआ। पर आज विधि कॉलेज की स्थिति बहुत गंभीर है जहाँ प्रचार और स्टाफ की कमी है। वे स्टाफ और प्रचार की नियुक्ति की मांग की है। साथ ही कोरोना के पहले से सरकार ने बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं डाली है। SC ST OBC की स्कॉलरशिप तत्काल छात्रों के खाते में राशि डालने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। यदि ये सब मांग प्रशासन और सरकार नहीं मांगता है तो बहुत जल्द आगर जिले में NSUI उग्र आंदोलन करेंगे। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए आगरमालवा से हतिशान खान की रिपोर्ट।